हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवी वाइब्स इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें तीन सिपाहियों को दिखाया जाता है जो रात के समय नदी पार करके मूर्स फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। ये सिपाही जंगल में मूर्स के क्रिएचर्स को चुराने आते हैं, क्योंकि मूर्स फॉरेस्ट एक मैजिकल फॉरेस्ट होता है और यहाँ मैजिकल क्रिएचर्स के साथ साथ परियां रहती हैं। एक सिपाही उनमें से एक क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वो क्रिएचर उसके हाथ पर काटकर भाग जाती है और वो सिपाही उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता हुआ फूलों के गार्डन में पहुंच जाता है और उस क्रिएचर को भी पकड़ लेता है। मूर्स फॉरेस्ट मैजिकल होने के कारण हमेशा से ही अपने आप को बचाता रहा है। इसी वजह से इन तीनों में से दो आदमियों को वहीं मूर्स की रूट्स जकड़ लेती हैं और उनमें से एक आदमी भागकर अपने किंगडम में पहुंच जाता है। किंगडम पहुंचने पर वो एक दरवाज़ा बजाता है और दरवाजे की खिड़की से वो चोरी की गई उस क्रिएचर को उस घर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी को दे देता है, जिसके बदले में उसे दो सोने के सिक्के मिलते हैं। और तभी उस बूढ़े आदमी की नज़र उसकी जेब से चमकते हुए फूल पर पड़ती है और वो उससे वो फूल छीन लेता है। अब यहाँ से मूवी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है और मूवी एक बेहद खूबसूरत सी सुबह से शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं मूर्स फॉरेस्ट जो कि बहुत खूबसूरत से फॉरेस्ट में बदल चुका है और वहाँ अब अरोरा रहती है। अरोरा फॉरेस्ट के हर क्रिएचर का ध्यान रखती है। अरोरा फॉरेस्ट के क्रिएचर से एक विषय पर बात कर ही रही होती है कि फॉरेस्ट से फेयरीज गायब हो रही हैं। अरोरा ये पता लगाना चाहती है कि आखिर ये फेयरीज कैसे गायब हो रही हैं। तभी अरोरा के पास तीन फेयरीज आती हैं, जिसके साथ में एक और छोटा क्रिएचर होता है जो अरोरा का क्राउन उतार लेता है और सब मिलकर अरोरा के साथ खेलने लगते हैं। अरोरा उनके पीछे भागती हुई एक पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां फिलिप आ जाता है। दरअसल फिलिप यहां अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने आता है, जिसके बाद अरोरा फिलिप को शादी के लिए हाँ कह देती है। और ये सारी बातें यंग सुन रहा था, जो कि मैलेफिसेंट का वफादार होता है। वो पहुंच जाता है मैलेफिसेंट के पास और उसे जाकर सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है फिलिप अरोरा से बात करने के बाद अपने किंगडम वापस आता है, जहाँ सभी उसका जवाब सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फिलिप राजा और रानी को बताता है कि अरोरा ने उसे शादी के लिए हाँ कर दी है। तभी फिलिप की रानी माँ उससे कहती हैं कि वो अरोरा और उसकी परी माँ से मिलना चाहती हैं। दूसरी तरफ अरोरा को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान होती है कि वो अपने और फिलिप के बारे में अपनी परी माँ यानी मैलेफिसेंट को कैसे बताएं। तभी मैलेफिसेंट वहाँ आ जाती है और अरोरा की जिद के आगे वो शाम की दावत पर साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है राजा अपनी तलवार फिलिप को देते हैं और उससे कहते हैं दोनों देशों की अमन की बुनियाद रखने जा रही है, दुआ करो इस तलवार की तुम्हें कभी जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इंग्रिड अपने रूम में आने के बाद एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहां एक आयरन फैक्ट्री होती है जो आयरन वेपन्स बना रही थी। और यहाँ एक लैब भी होता है जिसमें वही बूढ़ा आदमी होता है जो मूर फॉरेस्ट की क्रिएचर्स को चोरी कराकर मंगवाता था। वहीं दूसरी तरफ मैलेफिसेंट और अरोरा फिलिप की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उस किंगडम के लोग मैलेफिसेंट को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। अरोरा से मिलकर फिलिप की फैमिली काफ़ी खुश होती है, लेकिन मैलेफिसेंट को देखते ही इंग्रिड का फेस बदल जाता है। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी देखते ही देखते इंग्रिड और मैलेफिसेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। इंग्रिड बताती है काफ़ी सालों पहले मैलेफिसेंट पे एक फेयरी ने कर्स लगाया था और तभी मैलेफिसेंट कहती है हमारे फॉरेस्ट से हमारी क्रिएचर्स और फेयरीज लगातार गायब हो रही हैं। आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है और मैलेफिसेंट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसकी पावर्स अनकंट्रोल हो जाती हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और इंग्रिड किंग के पीछे छुप जाती है। और तभी किंग एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद इंग्रिड कहती है मैलेफिसेंट ने किंग को कर्स दिया है। वहीं मैलेफिसेंट अरोरा से साथ चलने को कहती है, लेकिन अरोरा उसके साथ जाने से मना कर देती है। मैलेफिसेंट वहां से जा रही होती है, तभी इंग्रिड की वफादार ग्रेडा आयरन बॉल से उस पर अटैक कर देती है, जिससे मैलेफिसेंट इंजर्ड होकर पानी में गिर जाती है। तभी कोई आकर पानी से निकालकर मैलेफिसेंट को ले जाता है और ये सब कुछ ग्रेडा टेलीस्कोप से देख रही होती है। और फिर वो जाकर इंग्रिड को बताती है मैलेफिसेंट बस मरने ही वाली थी, तभी उसी के जैसा एक क्रिएचर आया और उसको बचाकर ले गया। मैलेफिसेंट जब होश में आती है तब वो एक अनजान जगह होती है और वो सोचती है उसे यहाँ लेकर कौन आया होगा। उसे काफ़ी आवाज़ें सुनाई आ रही होती हैं, जिससे फॉलो करते हुए
वो वहीं पहुंच जाती हैं जहां उसके जैसे और भी क्रिएचर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। जहां बोरा सभी को कह रहा होता है कि इंसान आयरन की मदद से वेपन्स बनाकर हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और वो धीरे धीरे हमारी नस्लों का नामो निशान मिटा देंगे, इसलिए हमें उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो कॉर्नेल उसे कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि इंसान संख्या में हमसे बहुत ज्यादा हैं और हम बहुत कम, इसलिए हम जीत नहीं सकते। और कॉर्नेल वही होता है जिसने मैलेफिसेंट को बचाया होता है। तब बोरा कॉर्नेल को कहता है कि तुम गलत हो क्योंकि अब हमारे पास मैलेफिसेंट है, क्योंकि मैलेफिसेंट में इतनी ताकत है जितनी हम में से किसी के पास नहीं, और वो उसकी पावर्स को दिखाने के लिए मैलेफिसेंट को गुस्सा दिलाता है और फिर मैलेफिसेंट उस पर वार करती है, जिससे सबको विश्वास हो जाता है कि मैलेफिसेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। फिर कॉर्नेल मैलेफिसेंट को बाहर लेकर जाता है और उसे अपनी दुनिया दिखाता है और उसे बताता है हम सब इतने ही बचे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई हम छिपने पर मजबूर हो गए, लेकिन इंसानों की वजह से हम में से बहुत कुर्बान हो गए। तब मैलेफिसेंट कॉर्नेल से कहती है कि मैं इंसानों से जंग करके तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगी। तब कॉर्नेल उसे कहता है तुमने भी तो एक इंसान को पाला है, इसका मतलब यह है कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, इसलिए हम जीत सकते हैं बिना जंग के और बिना इंसानों से डरे। मैलेफिसेंट उससे कहती है ये नामुमकिन है और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है अरोरा महारानी इंग्रिड के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैलेफिसेंट मुझे कहीं नहीं मिली। उस पर इंग्रिड उसे मैलेफिसेंट के खिलाफ भड़काती है और उसे दिलासा देती है हम सब तुम्हारे साथ हैं, और कहती है हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी फ्लिप से करवाएंगे। उसके बाद वो अपने देश के और मूर देश के सभी निवासियों को शादी के लिए आमंत्रित करती है। फिर हमें कॉर्नेल को दिखाया जाता है जो मैलेफिसेंट को उनके पुरखों की जगह पर लेकर जाता है और बताता है ये फीनिक्स है और तुम इनकी नस्ल की आखिरी हो, इसी वजह से तुम में इतनी पावर है, इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम इंसानों के साथ जंग लड़ना चाहती हो या फिर अमन और शांति कायम करना चाहती हो, क्योंकि हम सभी खुशी और अमन के साथ रह सकते हैं। और उसकी शुरुआत है अरोरा, क्योंकि वो इंसान थी उसके बावजूद भी तुमने उसे एक बेटी की तरह पाला है। तब मैलेफिसेंट गुस्से में कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मनों को गले लगा लिया है। फिर बोरा वहाँ आता है और कॉर्नेल को बताता है कि 3 दिन बाद महल में राजकुमार फिलिप की शादी अरोरा से होने वाली है, इसलिए वहाँ हर देश से इंसान आएंगे और तभी हम उन पर हमला करेंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो रूहानी फूल से उस जादुई बारूद को बना लेता है, और फिर वो महारानी इंग्रिड को बताता है कि इस जादुई बारूद से किसी भी क्रिएचर को ख़त्म किया जा सकता है। फिर वो इंग्रिड के कहने पर इसका टेस्ट करके दिखाता है, जिसके लिए वो अपने कैद किए गए क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर को निकालता है, और जैसे ही वो उस जादुई बारूद को उस पर डालता है तो क्रिएचर वहीं मर जाता है और एक फूल में बदल जाता है। ये देखकर महारानी इंग्रिड बहुत खुश होती है और वह बूढ़ा आदमी इंग्रिड से कहता है हमें बहुत सारा जादुई बारूद बनाने के लिए बहुत सारे रूहानी फूल चाहिए जो सिर्फ मूर फॉरेस्ट यानी मायावी जंगल में ही मिलते हैं। इसके लिए महारानी इंग्रिड अपने सैनिकों को फूल लाने के लिए जंगल में भेजती है और सैनिक रूहानी फूल को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैलेफिसेंट को अपने जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और वो वहां जाने के लिए निकलती है, तो बोरा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। मैलेफिसेंट ये देखकर बहुत उदास होती है कि इंसानों ने उसके जंगल को भी नहीं छोड़ा, और तभी इंग्रिड के भेजे हुए सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, और तभी वहां कॉर्नेल आकर उन दोनों को बचा लेता है, लेकिन कॉर्नेल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो सैनिक फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। तब मैलेफिसेंट और बोरा मिलकर उन्हें वहां से भगा देते हैं और फिर ये लोग निकलकर उनके पूर्वजों के घर की तरफ निकलते हैं। वहीं अगली सुबह मूर देश के सभी वासी अरोरा की शादी के लिए महल की तरफ निकलते हैं, और वहीं फिलिप अरोरा से मिलता है और उसे वही रूहानी फूल देता है और बताता है उसे ये फूल उसकी माँ के कमरे से मिला है। तो अरोरा को इंग्रिड पर शक हो जाता है और वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टैचू खड़े होते हैं, लेकिन एक स्टैचू का सर टेढ़ा होता है तो अरोरा उसे सीधा कर देती है, जिससे इंग्रिड का सीक्रेट डोर खुल जाता है और वो अंदर चली जाती है, जहां वो सीक्रेट फैक्ट्री से होकर लैब में पहुंचती है जहां वो चरखा पड़ा हुआ था, और
जब वो उस चरखे के पास जाती है तो उसको कुछ फ्लैशबैक विजन्स आती हैं और उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने ही उस चरखे की नीडल से किंग को कर्स दिया था। इससे उसे पता चलता है कि मैलेफिसेंट को फंसाया गया है। तभी लैब में रहने वाला वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी अरोरा नोटिस करती है कि सारी लापता परियां यहाँ कैद हैं और वो उस आदमी से कहती है कि तुम तो मूर देश के हो लेकिन तुम्हारे पंख इंग्रिड ने काट दिए हैं। और तभी वहाँ इंग्रिड आ जाती है और वो अपने सैनिकों से कहकर अरोरा को उसके रूम में बंद करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ कॉनल की हालत बहुत ख़राब होती है और बोरा सभी को कहता है कि कॉनल अमन चाहता था लेकिन इंसानों ने उसे आयरन वेपन से ज़ख्मी कर दिया, इसलिए ये जंग इंसानों ने शुरू की है और इसे ख़त्म हम करेंगे। और फिर वो सभी महल पर हमला करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्रिड उन्हें मारने के लिए जादुई बारूद से वेपन्स तैयार कराकर युद्ध की तैयारी कर रही होती है और उसने वहां महल में सभी मूर देशवासियों को एक कमरे में बंद किया होता है। ये देखकर अरोरा उस कमरे से भाग जाती है। वहीं इंग्रिड सभी मूर वासियों को उस जादुई बारूद की मदद से मार रही होती है और इतने में बोरा और उसके साथी भी वहीं आ जाते हैं और वो महल पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी इंग्रिड जादुई बारूद से बने वेपन से उन पर हमला करती है जिससे वो क्रिएचर्स मरने लग जाते हैं। वहीं अरोरा फिलिप के पास पहुंचकर उसे सब बताती है कि मैलेफिसेंट ने किंग को कर्स नहीं दिया था और ये महारानी इंग्रिड ने किया है। वहीं दूसरी तरफ इंग्रिड उस बारूद की मदद से उन सभी पे हमला कर रही होती है। वहीं कॉनल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो मैलेफिसेंट को कहता है कि तुम्हें सोच समझकर अपना कदम उठाना होगा और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंग्रिड सभी क्रिएचर को मरवा रही होती है और अरोरा और यंग मूर वासियों को बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और सैनिक उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी मैलेफिसेंट वहां आ जाती है और वो यंग को भालू बना देती है जिससे वो सभी को उस रूम से निकाल लेता है। फिर मैलेफिसेंट वहां के सभी सैनिकों को मारने लगती है और कैद हुए अपने सभी साथियों को आज़ाद करने लग जाती है। वहीं उस बूढ़े आदमी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कैद हुई सारी परियों को आज़ाद कर देता है। वहीं सेनापति बोरा पर हमला कर देता है जिससे बोरा गुस्से में अब उसे मारने लगता है। तभी फिलिप उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे कहता है, इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सब मेरी माँ का बिछाया हुआ जाल है और तुम सब इसमें फंस गए हो। और फिर फिलिप अपनी तलवार ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं अपने हाथ किसी के भी खून से रंगना नहीं चाहता। और फिर फिलिप और सेनापति सभी को जंग रोकने को कहते हैं और तभी अरोरा देखती है कि मैलेफिसेंट इंग्रिड पर हमला करने के लिए उसके पास जा रही होती है। तो अरोरा भी वहां जाती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और वो अपने प्यार की ताकत से मैलेफिसेंट को नॉर्मल कर देती है। लेकिन तभी धोखे से इंग्रिड अरोरा पर तीर चला देती है तो मैलेफिसेंट उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है जिससे वो राख में तब्दील होने लगती है और वो वहीं मर जाती है। अरोरा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और उसके आंसू ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और फिर महारानी इंग्रिड सभी को कहती है कि मैलेफिसेंट मर चुकी है और ये सारी सरजमीन हमारी हुई। लेकिन तभी अरोरा के आंसू जो मैलेफिसेंट की राख पर गिरे थे उसमें अचानक से मैजिक होने लगता है और मैलेफिसेंट अचानक ज़िंदा हो जाती है और वो बहुत ही बड़ी ड्रैगन में तब्दील हो जाती है। मैलेफिसेंट अब बहुत गुस्से में होती है। मैलेफिसेंट को देखकर इंग्रिड बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए अरोरा को नीचे फेंक देती है और मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। और फिर मैलेफिसेंट अपने असली रूप में आती है और फिर मैलेफिसेंट अरोरा को गले लगा लेती है। और तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आता है और मैलेफिसेंट को चरखे का वही नीडल देता है और कहता है कर्स खत्म नहीं होते, तोड़े जाते हैं। फिर मैलेफिसेंट उस नीडल को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर फिलिप ऐलान कर देता है कि अब किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी और हम सब मिलजुल कर रहेंगे और साथ तरक्की करेंगे। और फिर अरोरा अपनी शादी का ऐलान करती है। फिर मैलेफिसेंट अपने मैजिक से हर जगह को फूलों से कवर कर देती है और अब किंग भी ठीक हो जाते हैं और वो भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मैलेफिसेंट महारानी इंग्रिड को एक बकरी बना देती है। फिर बोरा मैलेफिसेंट के पास आता है। मैलेफिसेंट उसे कहती है, अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद फिर अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं और दोनों देश एक हो जाते हैं और शांति और अमन के साथ रहते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।